एस्टेट परीक्षा रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी आतुर हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो कदाचार करके परीक्षा पास करना चाहते हैं वो अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा ही आतुर हैं। ऐसे में कदाचार युक्त परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी पहुँचे शिक्षा विभाग, और कुछ अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के काउंटर पर जाकर ये कहने लगे कि रिजल्ट जल्दी प्रकाशित कीजिए। ऐसे में रिजल्ट संबंधित बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, शिक्षा विभाग ने साफ तौर से कहा, बीएससीबी बोर्ड ने साफ तौर से कहा कि शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से पटना हाई कोर्ट में बड़ा केस है और हो सकता है परीक्षा रद्द हो जाए, ऐसे में रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अभ्यर्थी समझेंगे कि हमने जो कार्य किया है वो सही किया, और बीएससीबी बोर्ड भी इस बात को मान रही है कि परीक्षा में व्यापक कदाचार हुआ है। ऐसे में आज जिस वीडियो से हम आपको रूबरू कराएंगे, देखने के बाद आप समझेंगे कि कैसे बीएससीबी बोर्ड के बड़े अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार के केस में दम है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि कदाचार करने वाले अभ्यर्थी पहुंचे जब शिक्षा विभाग में बीएससीबी बोर्ड में, तो उन्होंने वहां भी माना कि कदाचार हुआ है। और अभ्यर्थी का कहना था कि हर सेंटर पर कदाचार हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। आज इस वीडियो में कबूलनामा भी आप सुनेंगे, अभ्यर्थी ने खुद कबूला कि कदाचार व्यापक पैमाने पर हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि जो कदाचार युक्त अभ्यर्थी हैं छटपटा रहे हैं कि किसी तरह रिजल्ट आ जाए और केस रुक जाए। और अगले वीडियो में आप सुनेंगे कि बीएससीबी बोर्ड के अधिकारियों ने भी शिक्षा सुधार रोजगार का लोहा माना और केस के बाद परीक्षा रद्द होने की संभावना जताई। अभ्यर्थी घबराए नहीं, आपका केस बहुत मजबूत रूप से पटना हाईकोर्ट में है। ऐसे में आइए अभ्यर्थी की जुबानी आपको कबूलनामा भी सुनवाते हैं, साथ में बीएससीबी बोर्ड के अधिकारी से हुई बातचीत का अंश भी सुनवाते हैं। ये जो काम होगा सही होगा, उसके अलावा वो शिक्षा रोजगार करके बनाया सर, उसी के बारे में सर, उसमें तो केस चल रहा है, केस होगा, केस जजमेंट होगा, जो जजमेंट होगा कि परीक्षा रद्द के लिए क्या होगा, सब जैसा होगा वो सब किया जाएगा। 22 में तो केस चल रहा है, केस का जैसा ऑर्डर होगा उसी हिसाब से होगा काम। अब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, हमें पूछेगा ना बिहार सरकार इस पर सर एक्शन। हम लोग रिपोर्ट रद्द होगा परीक्षा, कुमार करे या जो कोई भी ऐसा सेंटर है, हर सेंटर पे थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो उस चीज को लेकर अथी करना चीज गलत है ना सर। बिहार अथी नहीं ना कर सकता है, जो काम होगा सही होगा। उसके अलावा वो शिक्षा रोजगार करके बनाया सर, उसी के बारे में सर, उसमें तो केस चल रहा है, केस होगा, केस जजमेंट होगा, जो जजमेंट होगा कि परीक्षा रद्द के लिए क्या होगा, सब जैसा होगा वो सब किया जाएगा। 22 में तो केस चल रहा है, केस का जैसा ऑर्डर होगा उसी हिसाब से होगा काम। अब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, हमें पूछेगा ना बिहार सरकार इस पर सर एक्शन। हम लोग रिपोर्ट रद्द होगा परीक्षा, कुमार करे या जो कोई भी ऐसा सेंटर है, हर सेंटर पे थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो उस चीज को लेकर अथी करना चीज गलत है ना सर। ऐसा कोई है, जब ये तैयार होगा निकल जाएगा, लेकिन सर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है हम लोग सर, इसलिए हम लोग सर डिले के मत खावा, रेलवे में 3-3 साल पर परीक्षा ना हो रही है। रेलवे सर नहीं बात है, अभी चुनाव है, अभी नहीं होगा, तैयार होगा उस पर आदमी लगा हुआ। बिहार बिहार ऐसे शिक्षा था, उसने हो रहा था हंगामा हुआ, तभी जल्द दिया, उसी रात दे दिया। बताइए हम लोग कल तैयार हो रहा है, मतलब वही बताएं कितना मतलब की आपका दो तीन महीना लगेगा, उसमें काहे परेशान, एक दो महीना से कम नहीं लगेगा। बोलते जो काम करेंगे वो आप किसे मिलेगा, हम तो बता दिए कभी परीक्षा नियंत्रण ऐसा नहीं। हम लोग को जब भी पेपर में दिया गया कि बिहार स्टेट के 31 मार्च तक आपको दे दिया जाएगा, जब मार्च तक आपको जो बोला जाता है काम नॉर्मल रहता है। आपको बता दिए ना कि 26 तारीख को जो परीक्षा हुई उसको एंसर के भी हम लोग पेपर में नहीं दिए, एंसर की उस पर आपत्ति मांगेंगे, आपत्ति आने के बाद फिर आपत्ति जो पब्लिक आएगा उसको फिर से जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद सब एंसर की पर रिजल्ट जांच कराएंगे, कॉपी तब ना रिजल्ट बनाएंगे। अभी है समय, अभी आप लोग इंतजार कीजिए, अभी एक महीना से कम समय लगेगा। दूसरी नंबर बात है, ये तो स्टेट हम लोग एक्स्ट्रा ट्रिप है, हम लोग को मैट्रिक इंटर की परीक्षा पहले रिजल्ट देखा पहले वो होगा ना तो आपको इसमें समय लगेगा, आप लोग स्थिर से रहिए, आप लोग तैयारी वगैरह करिए, आप यहाँ आने से कोई जरूरी नहीं है सर, आएंगे नहीं तब 2 महीना नहीं 1 साल भी लग जाएगा सर। ये जो हम लोग रिजल्ट जो तैयार होगा
ये उतना ही कैंडिडेट का होगा या फिर पूरे का होगा? वो तो सरकार से गाइडलाइन जैसे आएगी वैसे किया जाएगा, उससे वो तो सरकार से जो गाइडलाइंस मिलेगी। आपके कहने का अनुसार है कि रिजल्ट अप्रैल बाद ही आएगा, अप्रैल तक जैसे एक दो मंथ कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो अभी हम लोग 26 का तो एंसर की भी नहीं जारी किया है, 26 तारीख जो 26 को परीक्षा हुआ है उसका एंसर की भी हम लोग अभी नेट पर नहीं जा रहे हैं, तो समय तो लगेगा ही, समय इस प्रक्रिया है, हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक कैंसर की पर आपत्ति नहीं है, 66 आपत्ति है, उसको जांच करा रहे हैं, जांच में समय लगेगा ना भाई, समय गलती सब भी कर देगा, कल कोर्ट कचहरी आप ही लग जाइएगा, जवाब देना पड़ेगा हम लोग को ना, इसलिए जो काम होगा सही होगा। उसके अलावा वो शिक्षा रोजगार करके बनाया हाँ, सर, उसी के बारे तो उसकी तो केस चल रहा है, केस होगा, केस जजमेंट होगा, जो जजमेंट होगा कि परीक्षा रद्द के लिए क्या होगा सब जैसा होगा उसे किया जाएगा, 22 में तो केस चल रहा है, केस का जैसा ऑर्डर होगा उसी हिसाब से होगा काम। अब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो कोर्ट कर रहा है, हमें तो पूछेगा बिहार सरकार इस पर सर एक्शन। हम लोग रिपोर्ट रद्द होगा परीक्षा, नीरज कुमार करे या जो कोई भी ऐसा सेंटर है, हर सेंटर में थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो उस चीज को लेकर अति करना चाहिए गलत है ना सर। बिहार को अति नहीं ना करा सकता है, हम लोग को नहीं कंट्रोल में अप्रैल में भी बोल रहे हैं, ठीक है आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ करने कोई जरूरत नहीं, अभी समय लगेगा। तो बोल दिया आपको मिलवाएगा किसे, हम बोल रहे हैं सब आपको ड्रोन साहब मिलेंगे सर, दो खाली एक मिनट के लिए खाली एक से दूर सर, आप लोग आपको जो बता दिया गया अभी आपको बता दिया गया, कोई माइक लाल है बिना एंसर की बने आपको रियल से देगा नहीं देगा, रियल लगा था 26 तारीख वाला एंसर की बाजार में आया है अभी नेट पर सर, नहीं आता आप ही लोग ना करेंगे, हम तो कर तो रहे हैं, अभी बन रहा है 26 को परीक्षा हुआ, अभी एंसर की बन रहा है सर। हम लोग कंट्रोलर महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कीजिए, इसमें फास्ट कीजिए, चूंकि ये नौकरी का बात है न कि ये रिजल्ट की खाली बात। अरे तो सब फास्ट लगा हुआ है, सर हम लोग का बातें नहीं सर मेन आदमी के पास पहुंचता है, यही हम लोग को परेशानी लगता है। आपको बात यहाँ जो समझ रहे हैं, यहाँ हर आदमी इम्पोर्टेंट है, हर आदमी बिहाफ ऑफ चेयरमैन काम कर रहा है, ये भी यहाँ बैठे हैं चेयरमैन के आगे, एक लाइन फर्क नहीं है। अरे सुनिए ना बताते हैं, यहाँ जितना भी बोर्ड चल रहे हैं चेयरमैन साहब यहाँ के मिनट बैठते हैं, उनका अलग अलग भी ड्यूटी है, हर काम ऑन बिहाफ हो रहा है, हर के नॉलेज में बात है, ऐसा बात नहीं है, अभी आपने सुना कि शिक्षा सुधार रोजगार के नाम का हरकंप बीएसईबी बोर्ड में भी है और ऐसे अभ्यर्थियों में भी है जिन्होंने कदाचार करके परीक्षा पास करने का सपना देखा है। हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में दो बड़े केस शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा एस्टेट 2019 कदाचार के खिलाफ किया गया है। सुनवाई आज होने वाली थी जनहित याचिका की, पर आपको जैसा कि पता है कोरोना वायरस के अंतर्राष्ट्रीय आतंक के सामने झुका है हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की कार्रवाई 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित। ऐसे में अब दोबारा जब हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी तब देखा जाएगा कि सुनवाई में क्या निकल कर आता है, पर अभ्यर्थी ये जान ले कि जिस तरह के सबूत पटना हाईकोर्ट में इस केस में हमने प्रस्तुत किए हैं 100% जीत पक्की है और अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार के साथ बने रहें। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ खड़े हैं इस केस को मजबूत करें, अगर किसी प्रकार का कोई सबूत अभी भी आपके पास है तो हम तक पहुँचाने की कृपा करें। मैं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार से हर कदम आपके साथ हूँ, इस वीडियो को हर अभ्यर्थी तक पहुँचाएँ और लाइक ज़रूर करें, शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, यही हमारा नारा है। करो।
एचएन परीक्षा रद्द करो, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करो, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, आनंद किशोर होश में आओ, एचएन परीक्षा रद्द करो, एचएन परीक्षा रद्द करो, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करो, एचएन परीक्षा रद्द करो, आनंद किशोर होश में आओ, कदाचार युक्त परीक्षा नहीं चाहिए, कदाचार युक्त परीक्षा नहीं चाहिए, एचएन परीक्षा रद्द करो, एचएन परीक्षा रद्द करो, रद्द किया गया सारे पूरे बिहार के काम को रद्द किया जाए और पुनः इसका आयोजन कराया जाए, व्यापक मात्रा में धांधली की गई है, अनिश्चितकालीन तक हम लोग हड़ताल करेंगे, पूरे बिहार के एग्जाम को रद्द कराया जाए और पुनः एग्जाम का आयोजन कराया जाए, यही मांग है हम लोगों की सरकार से और आनंद किशोर से। क्या कर रहे हैं? वही मांग कर रहे हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, परीक्षा को रद्द किया जाए। अब आपके लिए आवश्यक सूचना, मैं नीरज आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि अगर आप एमएड करना चाहते हैं भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटियों से तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एमएड में एडमिशन के लिए एडमिशन ओपन है, आप में से जो भी अभ्यर्थी एमएड करने को इच्छुक हो हमें कॉल करके इस संबंध में पूछताछ कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके नंबर है। भारत के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से आप एमएड करें सस्ती दरों पर, अगर आप गरीब अभ्यर्थी हैं और पैसे की कमी के कारण अभी तक आपने एमएड की पढ़ाई नहीं की है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, कॉल करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।